हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्लिंग ड्रॉप्स। तो इस बार मैं दिवाली स्पेशल और एक क्राफ्ट लेके आई हूँ आप सबके लिए। ये इधर देख पा रहे एक मोजाइक लैम्प है जो कि मैं एक बल्ब से बनाई हूँ, बल्ब से प्लांटर जो कि मैं अमेजन से खरीदी हूँ। इधर देख पा रहे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे मेन जो है इसमें ये है मोजाइक टाइल्स। ये जो मोजाइक टाइल्स इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको लगाने के लिए एक 7000 ग्लू आता है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको पहले मतलब कांच के साथ अच्छे से चिपकता है, तो कांच में लगाने के लिए हमेशा इसको ही यूज करना है। अगर आप कोई एमडीएफ बोर्ड के ऊपर इसको चिपका रहे तो आप फेविकॉल की उससे मदद से चिपका सकते हैं। आज मैं इसको एक लाइट इससे लाइट बनाऊंगी तो कांच के ऊपर लगा रही हूँ। तो कांच के ऊपर लगाने के लिए ये ग्लू इसी ग्लू का ही इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे करके आप पूरा कवर कर दीजिए इसको। तो अभी देखिए पूरा लगा दिया है। आपको जो भी कलर पसंद है उसी कलर का टाइल यूज करना। मैं जो मंगाई थी वो मल्टी कलर था, इसीलिए मैं सारे डिफरेंट कलर्स के टाइल यूज की हूँ इसमें। लेकिन इसमें बाद में मुझे पता चला कि जो ब्लैक कलर टाइल्स में लगाई हूँ उसमें लाइट पास नहीं कर रहा है, तो आप ब्लैक कलर टाइल्स को अवॉइड करना लगाने के लिए। और बाकी इसके बाद में इसमें मोजाइक पेस्ट लगा रही हूँ। मोजाइक पेस्ट आपको पता है मैं अनग्रा जो अनसैंडेड ग्राउट होता है उसका यूज़ की हूँ, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको इसके ऊपर हाथ से लगा रही हूँ। एज ए प्लेन सरफेस नहीं है तो स्पॉन्ज का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, हाथ से इसको प्लेन करूँगी। तो इसमें देखिए अभी अच्छे से सारा जो भी ब्लैंक्स जिधर भी खाली जगह है उस पर पूरा भर दीजिएगा अच्छे से। और मिरर और इसमें डिफरेंस ये है कि मिरर में आपका ग्राउट जो होता है ना वो कम यूज़ होता है। आज इसका थिकनेस ज़्यादा है, इसमें थोड़ा ग्राउट आपका ज़्यादा यूज़ होगा। डबल क्वांटिटी का ग्राउट इसमें यूज़ होगा आपका। फिर ये ग्राउट अच्छे से लग जाने के बाद आधे घंटे इसको छोड़ दीजिए। फिर एक गीला कपड़ा लेके कपड़ा गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ दीजिए पानी को, पानी जैसे निकल जाएगा। और उसको हल्का करके ऐसे पोंछ लीजिए, ऊपर जो भी एक्स्ट्रा ग्राउट्स लगे होंगे वो निकल जाएंगे। और उसके बाद ये पूरा प्रॉपर अच्छे से उभर के आएगा। थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे चलाए, और जिस डिरेक्शन से करे उसी डिरेक्शन को ही फॉलो करना, ऊपर नीचे मत करना, मतलब एक ही डिरेक्शन को फॉलो करिएगा। तो अभी देखिए पूरा बन गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर आप ऐसे एलईडी लाइट में जैसे लगाई हूँ वैसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर पानी डाल के इसको एज ए प्लांटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लाइट नहीं लगाना है और ऐसे। लेकिन ये लाइट में मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है आज। इसको आप दिवाली में इसके अंदर आप फ्लावर्स भी डाल सकते हो, फ्लावर्स डाल के इसको डेकोरेट भी कर सकते हो लाइट एंड फ्लावर्स रख के। तो दिवाली के लिए मैं आप सबके लिए इतना सुंदर क्राफ्ट लाई हूँ। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू।